हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है सो आप इसके रिगार्डिंग हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और हम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। जो भी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या भी करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा रीज़न है या जॉब में है, तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। और एग्ज़ाम जो है आपके 10 दिन होगा, 10 से 20 अक्टूबर के बीच में। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है सो आप प्लीज जाइए और इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। आखिरी 10 दिन में ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, बिकॉज ये सारी चीजें मैंने खुद ने अपने ऊपर यूज की है और ये काफी हेल्पफुल हुई है। जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज में बताया था आप लोगों को कि जो आपका एग्जाम पहले हुआ था दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उसमें मैंने ये यूज किया था। तो चलिए, जैसे कि कल की वीडियो में बोला था, हम ऑन डेली बेसिस आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेट ही होगा कि आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हैं और इस बार ही आपके किस किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो सिंपल 15-20 क्वेश्चंस होंगे, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो उससे पहले ये देख लीजिए कि दिल्ली पुलिस एचसीएम जो मैथ्स के पेपर के बारे में बात करेंगे आज हम, जो भी आपके लास्ट ईयर में पूछे हुए हैं, चाहे जो आपके हेड कांस्टेबल का एग्जाम मिनिस्ट्रियल का पहले हुआ था काफी, या फिर जो आपके दिल्ली पुलिस के एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना स्कोर बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक हैं। क्वेश्चंस इजी हैं, अभी हम लेवल को थोड़ा इजी रख रहे हैं, देखते हैं कि कितना बच्चे कर पाते हैं। और अपने मार्क्स प्लीज बताइएगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है और उसका जो लिंक होगा वो हमारी प्रीवियस वीडियोस और इनमें दोनों में हम मर्ज कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल हम तो प्रोवाइड करेंगे ही, अगर आपके पास कोई नया है तो आप वो भी भेज सकते हो, जिससे कि कोई डाउट हो तो आपस में डिस्कस कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपके लिए होमवर्क भी होगा और मैं यही उम्मीद करूंगा आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन ही देंगे, आपको ज्यादा नहीं, आपको वो क्वेश्चन करके आना है। और क्वेश्चन अच्छे लेवल का होगा, अगर आपका वो हो गया तो आप अबव एवरेज हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एवरेज की बात हो रही थी और एवरेज का ही क्वेश्चन आ गया। तो सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन ऑफिस 13,000 पर मंथ। देखिए एवरेज के ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, कोई हार्ड कोर बड़े क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हेड कांस्टेबल का ही एग्जाम है इनफैक्ट। तो देखिए एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर 13,000 है। उसके बाद इफ द मैनेजर सैलरी, अगर मैनेजर की सैलरी और हम ऐड कर देते हैं, तो देखिए इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करेंगे, हिंदी में बोलेंगे जिससे कि जो हिंदी मीडियम से है वो भी समझ पाए। तो इसमें क्या था कि 20 वर्करों की सैलरी 13,000 पर मंथ है, और ये क्या है, एवरेज मतलब होता है औसत। तो इसमें अगर देखिए यहाँ पे ही समझ लीजिए आप, 13,000 पर मंथ है, इसका मतलब ये एवरेज है 13,000 पर मंथ। तो उनकी जो 20 वर्कर हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी होगी, 26,000। यहां तक आपको समझ में आ गया, तो 26 25K लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अगर मैनेजर की सैलरी भी हम जोड़ देते हैं तो एवरेज सैलरी बिकम्स 20,000 पर मंथ। अगर देखिए अभी हमने 20 वर्करों की बात करी है, अगर हम मैनेजर की सैलरी भी जोड़ देते हैं तो वर्कर कितने हो गए आपके, 20 वर्कर प्लस 1 मैनेजर, टोटल कैंडिडेट कितने हो गए आपके, 21 बंदे हो गए आपके पास। और अब जो आपकी एवरेज सैलरी है मतलब औसत सैलरी है वो है 2,000। तो 21 बंदों की 2,000 औसत सैलरी है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई उनकी, तो टोटल इनकम हो गई उनकी 2,000। तो 2,000 × 21, आप यहाँ पे 2,000 2K लिख दीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 42,000। तो यहाँ पे टोटल आपका आ गया 42,000, 42K 42,000, और यहाँ पे कितना आपका 26,000। तो डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए डिफरेंस में ये नहीं करना आपको, 2 में से 6 गए तो 6, और यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 गए तो 1, 16,000 नहीं। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए डायरेक्टली 26 और 10 36 और 10 46, 20 हो गए, 46 में से 4 माइनस करोगे 42, तो डायरेक्ट आपका 16 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 पर मंथ। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जो भी आपका ये क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए पहले, और देखिए कितना टाइम में आपका आया फर्स्टली। सेकेंड क्या होगा आपको कि ये देखना है कि और कोई ट्रिक हो, कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ट्रिक ही बेसिक होता है, ये नहीं कि आप सारी स्टेटमेंट लिख रहे हो। और उसके साथ साथ देखिए स्टूडेंट्स, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ होगी ये भी हम वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे आपको, बिना अगर आपको कोई डाउट हो फ्यूचर में या कोई इश्यू हो। तो देखिए 10 से स्टार्ट है, काफी बच्चों के हैं 10 से स्टार्ट, तो और 20 तक चलेंगे, तो ये नहीं कि सबके 10 को है, तो 10 12 10 13 ऐसे 18 19 20 तक आपके एग्जाम्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है,
तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। तो देखिए ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया, काफी लो लेवल क्वेश्चन हो गया है। डायरेक्टली आपको क्या करना था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई की वैल्यू भी गिवन है, तो इसमें फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज है। 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। गेटिंग? तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो 27 और 10 37। 37, 37 में से आप जब 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35। सो आई गेस इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, इसे 35 कर लीजिए आप, ऑप्शन सी 35 कर लीजिए इसे। आई गेस ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा आपको अगर आपका एग्जाम में आए। 2 क्वेश्चन में इजीली है, अब थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए राहुल परचेज 80 आइटम्स, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है। सो राहुल परचेज 80 आइटम्स फ्रॉम मार्केट, तो 80 आइटम्स लेके आए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 80 आइटम वो लेके आया तो एक आइटम को 1 रुपए का रख लीजिए, डायरेक्ट 80 आइटम हो गए 80 रुपए के। इससे क्या होगा, आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर 80 रुपए के आइटम्स वो लेके आया, लेके आया मतलब खरीद के लाया, खरीद के लाया मतलब कॉस्ट प्राइस है उसका, सीपी हो गया है। उसके बाद देखिए कॉस्ट प्राइस सीपी, 25% ऑफ द आइटम्स वर डिफेक्टिव। तो देखिए 80 का 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, और 80 का 1/4 कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब जो उसके 20 आइटम्स थे वो क्या हो गए, खराब हो गए हैं। दैट मीन्स उसके पास कितने हैं, 60 आइटम ही बचे हैं, क्योंकि 20 आइटम डिफेक्ट हो चुके हैं, फेंक दिए गए हैं। उसके बाद रिमेनिंग आइटम्स जो हैं, अब बचे कितने हैं, रिमेनिंग आइटम्स 60 है, वो क्या किए हैं, दैट इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। तो देखिए आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, मैंने इसलिए 80 आइटम्स को 80 रुपए का इसलिए माना था यहाँ पे, क्योंकि अगर 50% प्रॉफिट पे हम सेल कर रहे हैं तो देखिए 60 अपने आप का कितना परसेंट है, 100%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 30 रुपए। 60 का 50% कितना हो गया, 30 रुपए। दैट मीन्स उसने वो आइटम क्या है, 90 रुपए के बेच दिए, 60 आइटम 90 रुपए के बेच दिए। गेटिंग? इसका मतलब एक आइटम कितना था, 1.5 रुपए का, और हमने खरीदा कितने का था, 1 रुपए का आइटम था। तो टोटल आइटम यहाँ पे कितने हो गए, 80, यहाँ पे कितने हो गए, 90। इसका मतलब जो आपकी खरीद थी, कॉस्ट प्राइस 80 थी, सेलिंग प्राइस 90 हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। देखिए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट मतलब जो भी आपका डिफेक्टिव आइटम था, जो आपका कॉस्ट प्राइस था डिफेक्टिव आइटम को ऐड करके, और जो आपका फाइनल आया है। तो यहाँ पे देखिए 80 है, 90 है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। तो सीपी कितना है, 80, और एसपी कितना, 90। तो 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, तो ये कितना हो गया, 10। और सीपी कितना आपका, देखिए ये ध्यान रखिए कि जो अपॉन होता है प्रॉफिट में या लॉस में किसी में भी, हम सीपी पे ऐड करते हैं, सीपी पे ही ऐड माइनस करते हैं। और अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी, वो तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, नेगेटिव मत लीजिए। डायरेक्ट इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 80 और 90 का अपॉन कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने खरीदा है, तो खरीदा कितने में, 80 में। तो ये कितना हो गया, 10 अपॉन 80। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की होगी तो वो क्या करेगा, सीधा 1/10/80 को लिख देगा 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5। डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा 12.5। और चलिए कोई बात नहीं, कुछ माइन्यूट सेकंड से ज्यादा लगेंगे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 10/80 1/8 हो गया, और 100 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 टाइम्स। गेटिंग? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 12.5। ये आपको याद होनी चाहिए, 1/8 को 12.5 बोलते हैं, 1/9 को 11.11 बोलते हैं, ये रहा, और 1/11 को बोलते हैं 9.09, और 1/10 को तो 10 ही बोलते हैं। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये तो हम थोड़ी सी फास्ट वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये आपका रिवीजन है, प्रैक्टिस सेट है सिर्फ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12.5% पर एनम। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे 12.5% पे जो सम ऑफ मनी है, मीन्स जो सम है वो दुगना हो गया, मतलब आपने 100 रुपए दिए 200 रुपए हो गए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए लेमन लैंग्वेज में समझिए, आम आदमी के भाषा में, आम आदमी बन के 100 रुपए का क्या हो गया, 200 रुपए हो गया, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। 100 रुपए क्या हो गए, 200 रुपए हो गए। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है इसका, 100 रुपए इंटरेस्ट हो गया, समझ रहे हो। अगर 100 रुपए इंटरेस्ट हो गया और रेट कितना है, 12.5, अगर हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 100 अपॉन आपका रेट हो गया, 100 क्या है आपका इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट क्या होता है, टाइम होता है। आप ऐसे फॉर्मूले लिख लीजिए, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और अपॉन 100 जो है वो परसेंटेज के लिए होता है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज 12.5% ही ले रहे हैं, तो वो परसेंट से परसेंट हम यूज
तो देखिए अब ये क्या हो गया 100 और ये क्या हो गया आपका 12.5। इससे जब आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे, अभी बताया था 1/8 मतलब होता है 12.5, तो 12.5 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 8 ईयर्स, क्या हो गया 8 साल। और देखिए अगर आप फॉर्मूले से जाओगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, हो तो जाएगा, लेकिन देखिए यही कॉम्पिटिशन में आपको बाकियों से आगे निकालेगा। तो हम हमारी जो ये पूरी प्रैक्टिस सेट होगी, पूरी सीरीज होगी, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि और भी काफी क्वेश्चंस होंगे आपके पास। और एप्टीट्यूड मेरे हिसाब से सबसे लेंथी होता है जो आप सॉल्व करते हो। रीजनिंग में कुछ ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े से टाइम ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो आपका एप्टीट्यूड ही होता है, मैथ्स ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 88% ऑफ 370 और 24% ऑफ 210 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 118। तो इसमें आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। जैसे कि 88% है तो हम कैसे लिखेंगे, 88 अपॉन 100 इंटू 370। तो हम 370 को क्या करते हैं, जीरो से जीरो हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 88 इंटू 37, डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं 37, और ये अपॉन क्या हो जाएगा 88 अपॉन 10 था, तो यहाँ पे आप 10 यूज कर सकते हो, क्योंकि देखिए पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, तो 2 से आप 5 टाइम्स कर सकते हो इसे। कम से कम वैल्यू रखा कीजिए अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो। प्लस यहाँ पे देखिए ये कितना 24% ऑफ 210, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो 24 अपॉन 10 इंटू 21। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो 24 अपॉन कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 100 जो था उसकी हमने एक जीरो काट दी है, अपॉन 10 इंटू ये कितना हो गया 21। उसके बाद देखिए माइनस एक्स, ये हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है इस क्वेश्चन में, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 118, ये हो गया आपका 118। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे भी इसे डिवाइड कर लेते हैं, या तो आप कॉमन लेके इधर 1180 कर लीजिए, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप इससे ऐसा कीजिए, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई इजिली हो जाता है 5 और 10, तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया 44, और ये 2 टाइम्स जो हम इसे करेंगे तो ये हो गया आपका 12। तो देखिए अब आप इजिली इसे कर सकते हो, 12 इंटू 21 डायरेक्टली आप कर सकते हो। कैसे, 12 इंटू 1 इज 12, सो आपका 2 हो गया। उसके बाद 12 इंटू 1, 12 एकम 12, तो 2 लिख दिया, 1 यहाँ आ गया, 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये कितना हो गया 252। उसके बाद माइनस एक्स, ये हो गया आपका, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया 118। ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, यहाँ पे 44 इंटू 37, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद देखिए जो ये आपका 5 है इसे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 118 इंटू 5। तो देखिए इसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे करोगे, 18 पंजे 90, 5 एकम 5, तो ये कितना हो गया डायरेक्ट 590। अगर कोई कैरी होता तो आप 600 के करीब जाते, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ से 590 आपका डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे 252 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये था आपका प्लस, इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, और चलिए मैं बता देता हूँ कितना आपका आएगा। तो ये आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, कुछ 8 16 28 कुछ करीब आएगा आपका 1600, ये आएगा आपका 1628, 1628, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1628 प्लस 52 ये कितना हो गया 8 2 10 0, और ये हो गया 5 2 7 और 1 8, और ये कितना हो गया 5 2 7 और 1 8, और ये कितना हो गया 16, और ये हो गया आपका 1880। तो 1628 प्लस 252 आप करोगे 1880 हो गया, और यह हो गया 590। तो इसे इस साइड ले आइए, 1880 में से 590 डायरेक्ट माइनस कीजिए, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 1290। इसे डायरेक्ट माइनस करोगे आप 590 को इस साइड लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1290, और यहाँ पे 1290, और जो -5x था वो उस साइड जाके +5x हो जाएगा, और 5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1290/5 = x। तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए 5 आपका हो गया 52, 5 2 10, 2 12 9, 5 5 25, 4 0 5 8 40, तो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट 258, आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ये भी डायरेक्ट था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थी, लेकिन आप इजिली से सॉल्व कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 ईयर्स है वो, 4 साल पहले रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 9:13, 8 ईयर्स हेंस द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए बी विल बी 3:4, वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स हेंस। तो यहाँ पे देखिए 4 साल पहले क्या था, जो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए और बी था, 4 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और बी का जो रेशियो है 4 साल पहले, अभी की बात नहीं है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे कि हम 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 अपॉन 13,
ये इनका रेशियो था 4 साल पहले की बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लास्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इससे। ये हो गया आपका 9x और ये हो गया आपका 13x, x कॉमन रेशियो ले लिया हमने, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद देखिए 8 साल बाद, अभी देखिए हम जो ये 9 और 13 का रेशियो है ये 4 साल पहले की बात है, इसका मतलब अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2018 की, और अब ये क्या कह रहे हैं कि 8 साल फिर से बाद में, इसका मतलब 2008 जो 2022 है हमारा, और 8 और ऐड कर दीजिए कितना हो गया 2030, तो टोटल कितना हो गया आपका 30, 2030 से 2018 12 साल हो गए, इसका मतलब ये हमसे 12 साल की बात कर रहे हैं। शायद समझ में आ गया होगा आपको कि देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, कोई बात नहीं, आपका 4 साल पहले की बात हो रही है और 8 साल बाद की बात हो रही है, तो 4 साल पहले ये आप ऐसे कर लीजिए -4 और +8, इनका गैप कितना, दोनों का गैप कितना है, इनका 12 गैप है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो प्लस ये कितना हो गया आपका 12 +12 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका रेशियो कितना है 3:4, इनका आप जो आपका रेशियो है ये क्या है 8 years hence the ratio of the ages will be 3:4, जो 8 साल बाद है 3:4 रेशियो बच गया इनका। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 36 + 48, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए इन दोनों को, इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, 36 + 48 इज इक्वल टू 39 + 36 डायरेक्टली, 9 × 36 + 12 × 48 इज इक्वल टू 13 × 39, ये कितना था 36 था, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, और ये कितना है 9 × 36 और 13 × 39, तो 3x बच गया यहाँ पे। उसके बाद ये क्या है इज इक्वल टू, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए 12 × 48 और 12 × 36, तो 36 और 48, 36 + 46 12 गैप आ गया, यहाँ 12 गैप आ गया, तो 3 रेशो ले लीजिए 3 × 12 क्या हो गया x की वैल्यू आ गई, ये आ गई 4। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 years हेंस। तो देखिए हेंस मतलब होता है बाद में, मींस फ्यूचर में बताना है हमें। तो अब आप यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 हो गई, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं 9 और 13, ये कितना हो गया 36 साल, 9 × 36 अगर हम एक्स की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, और ये कितना हो गया 13 × 52, ये 52 हो गया। तो अब देखिए ये क्या था, ये 8 साल पहले की बात थी, 8 साल पहले की बात थी, ये जो आपका 9 और 13 ये कितना है, ये आपका रेशियो ऑफ द एजेस, ये 4 साल पहले की बात है, ये रहा 8 साल बाद की बात, तो ये थी 3:4 रेशियो में, अगर हम इसमें करते तो इसमें आता, लेकिन अभी हम इसमें कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 36 और 52, ये है 4 साल पहले की बात। अब हमें क्या निकालना है 4 साल बाद की बात, ये रहा आपका 4 years hence, hence मतलब बाद में, तो गैप कितना हो गया 4 साल पहले 4 साल बाद में, इसका मतलब 8 साल, तो इसमें क्या करेंगे हम +8 years जोड़ देंगे, तो ये जो आपका रेशियो आएगा ये आ जाएगा 4 साल बाद का। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 36 और 10 = 46, -2 = 44, ये हो गया आपका 44, और यहाँ पे कितना हो गया 52 और 8 डायरेक्ट 60, इसको 4 से काट दीजिए 4 से हम क्या करेंगे 11 times, और 4 से क्या हो जाएगा 15 times, तो 11/15 कौन सा आंसर है आपका ए ऑप्शन 11/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं और इसके बाद आपको ये सॉल्यूशंस देखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर 15 को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं 7 times ऑफ द नंबर, इसका मतलब डायरेक्ट क्या, देखिए 7 times क्या है नंबर का, कोई भी नंबर मान लीजिए एक्स नंबर मान लीजिए चलिए, और अगर हम इसमें से क्या करते हैं 15 को माइनस कर देते हैं, 15 को माइनस कर दिया ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 10 more than, 10 ज्यादा आएगा ट्वाइस द सेम नंबर, इसका मतलब सेम नंबर क्या है ये, मीन्स सेम नंबर का दुगना 10 ज्यादा होगा इससे, बस आपको क्या करना है इसमें स्टेटमेंट समझनी है। तो ये क्या होगा 2x + 10 डायरेक्ट 2x + 10, आपको पेन भी यूज नहीं करना, काफी इजी क्वेश्चन, और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये हमने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x और 15 इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा 25, तो 5x = 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5x कितना हो गया 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो नंबर क्या बताना था हमें यही बताना था। और आप देखिए सॉल्व करने के बाद इसमें वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, 7 × 35 - 15 = 20 इज इक्वल टू 5 × 10 + 10 = 20, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 2/4 ऑफ द नंबर इज 60, क्या कह रहा है डिफरेंस बिटवीन अ नंबर, एक नंबर का डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 2/4, 2/4 क्या होता है आपका, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 2/4 क्या होता है, 2/4 हाफ ही तो होता है आपका, 2/4 कितना होगा आधा ही तो होता है, तो इसका मतलब खुद का नंबर अपने में से x में से अगर आप x माइनस 2 कम कर दोगे, तो देखिए x में से मीन एक में से आधा चला गया तो कितना बच गया आधा ही तो बच गया, तो डायरेक्टली इसे x/2 नहीं लिख देंगे हम, x/2 तो x/2 कितना है 60 है, अगर x/2 की वैल्यू 60 है मतलब कोई नंबर है उसका आधा 60 है, तो पूरा कितना होगा 120, तो नंबर
तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका आंसर कितना हो गया? ये हो गया आपका 120, तो ये आपका आंसर हो गया 120। अब देखिए, ये क्वेश्चंस हो गए। अभी छोटी छोटी ही वीडियो रखेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए देखने में। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक आपको होमवर्क देंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, वो आपको होमवर्क करना है और आपको कमेंट सेक्शन में उसका बताना है। तो चलिए होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए, अगर आपने होमवर्क क्वेश्चन कर लिया, जिस भी चैप्टर में से मैं वो होमवर्क दूंगा आपको, अगर आपने वो कर लिया तो वो चैप्टर आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इतना अच्छे से आपको दो तीन चार क्वेश्चन देंगे बस होमवर्क में। अगर आपके वो हो गए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। आप होमवर्क आपका क्वेश्चन है ट्रेन स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देख लीजिए, एक बार पढ़ देता हूँ। अ ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मीट्स एन एक्सीडेंट एंड देन उसके बाद क्या करती है, प्रोसीड करती है 3/4 अपने ही स्पीड के। मतलब पहले अगर एक्स स्पीड है तो अब है वो 3/4 स्पीड। उसके बाद क्या आएगी, और अपनी जो डेस्टिनेशन है जगह पे वो पहुंचती है 35 मिनट लेट। उसके बाद हैड द एक्सीडेंट अकर्ड 24 किलोमीटर फर्दर इट वुड हैव रीच द डेस्टिनेशन ओनली 15 मिनट्स लेट। तो वो क्या है कि 15 मिनट लेट पहुंचेगी। नॉर्मल स्पीड निकालनी है आपको ट्रेन की। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपको, अगर आपको डाउट हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये भी 2 से 3 लाइन का, सिर्फ कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी, लेकिन आई वॉन्ट टू नो कि आपको कितनी प्रैक्टिस हो गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, ये आपका HW है होमवर्क। ABCD के साथ साथ आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। जैसे 36, 38, 46, 24 या नन ऑफ द अबव, आपको ऑप्शन लिखना है ए, देन आपका आंसर लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस होमवर्क के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी के जो क्वेश्चन हैं मैथ्स के वो सॉल्व करेंगे। और अगर आपके कोई और भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल जो हम लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे उस पर आप आ जाइएगा। ये सारे वीडियोस PDF सब आपको वहीं पे मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।